यो हनी सिंह, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्चुअल रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अच्छा बिल्कुल यहाँ पे यो हनी सिंह के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो लेके आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक नया सॉन्ग आने वाला है यो हनी सिंह का, और जैसे कि आप जानते हैं, इनका जो लास्ट सॉन्ग था वो शोर मचेगा सॉन्ग था, मुंबई साइगा मूवी के अंदर एल्बम से वो सॉन्ग निकल के आया था, और वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा पार्टी टाइप का सॉन्ग था। बहुत से लोगों ने तारीफ की थी, जो हनी सिंह है अपने वापस उसी ट्रैक पर आ गए हैं जिस टाइप के वो गाने बनाने के लिए मशहूर हुआ करते थे पहले। दोस्तों यहाँ पे एक नया गाना आ रहा है जिसका नाम होने वाला है कांटा लगा। तो दोस्तों यहाँ पे कांटा लगा में आप सोचिए इनके साथ कौन हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पे हनी सिंह के साथ नेहा कक्कर हैं। इनकी कोलाबोरेशन तो बहुत दिखी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एवर, यहाँ पहली बार नेहा कक्कर के साथ और यहाँ पे यो यो हनी के साथ टोनी कक्कर साथ में जुड़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे पहले वीडियो में बोला था यहाँ कि यहाँ पे हनी सिंह और टोनी कक्कर का गाना आ सकता है। मैंने बोली थी कि पॉसिबिलिटी ऐसी है, और जैसा मैंने बोला था वहाँ भैया ये हो चुका है कन्फर्म। यार मतलब मेरे जो प्रेडिक्शन किया था वो कन्फर्म हो चुका है, ऐसा आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे दोस्तों लॉकडाउन जो पिछली बार था 2020 में, वहाँ पे जब हनी सिंह अपनी यूट्यूब चैनल पर लाइव आते या इंस्टाग्राम पर लाइव आते, तो वहाँ पे नेहा कक्कर के साथ बात कर रहे थे जब इनका सॉन्ग आने वाला था, जो जो आप सुना अगर सही है जी सॉन्ग था वो जब आने वाला था, तो जब उस टाइम पर जिन्होंने चैट कर रहे थे वहाँ पे टोनी कक्कर साथ में आते हैं और बोलते हैं, हनी सिंह बोलते हैं कि आपको धीमे धीमे सॉन्ग है और बहुत ही मतलब मज़ा आता है सुनने में, ऐसे बोलते हैं। और वहाँ पर उन्होंने बोला था कि हम कभी ना कभी आप साथ में काम करेंगे, और वो दिन वो आ चुका है, उन्हें शूट खत्म नहीं करना, उन लोगों ने प्लानिंग करी थी और काम खत्म भी कर दिया। यहाँ का नाम कांटा लगा, और दोस्तों पहली बार यो हनी सिंह का जो गाना है वो देसी म्यूजिक फैक्ट्री के अंदर रिलीज होने वाला है, ना कि वो टी सीरीज में जाकर रिलीज होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर टी सीरीज नहीं होगा, ये आपको रिलीज होगा सिर्फ और सिर्फ नेहा कक्कर और टोनी कक्कर के साथ साथ यहाँ पर यो हनी सिंह फिर से हमें दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी जोड़ी हो देसी म्यूजिक फैक्ट्री के अंदर, पहली बार फर्स्ट एवर यहाँ पर यो हनी सिंह की हम इसमें डेब्यू करते हुए दिखेंगे, देसी म्यूजिक फैक्ट्री कहते हैं। जैसे आपको पता है नेहा कक्कर में सिंगर है, और यहाँ पर जो भाई तो आपको पता है टोनी कक्कर को मतलब बहुत से गाने हैं जो लोग बहुत पसंद नहीं करते, लेकिन जो उनके गाने होते हैं रटने, मतलब एकदम की बीट जो होती है रट ऐसा मन में रट जाता है, लेकिन जो उनके लिरिक्स गाने में लिरिक्स मतलब बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा बोलते हैं कि भैया आप क्या बनाते हो, आपसे अच्छा जाने जी बना लेते हैं। जाने जी के जितने लिरिक्स होते हैं उतने आप उतने में तो आपके भैया अच्छे मतलब बहुत सारे गाने बन जाए। कहीं ना कहीं हनी सिंह ने अपना जो तड़का लगाया है गाने के अंदर, गाना बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि जैसे आप पता है जहाँ पे जो हनी सिंह का गाना होता है बहुत धांसू होता है, और जो इनकी जो वही है जो वर्डिंग यूज़ करते हैं जो ये लिखते हैं बहुत ही धांसू यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे टोनी कक्कर गाना है, तो मेरे ख्याल से पूरा मेरे को जहाँ तक पता है टोनी कक्कर ने ये गाना लिखा होगा, लेकिन जो यहाँ पे हनी सिंह ने उनने अपना खेल बदल किया होगा, अपने अंदाज में कुछ लिखा होगा और यहाँ पे कुछ अपने अंदाज में गाने को अच्छा बनाया होगा। जैसे कि आपको पता है हनी सिंह ने गाया बहुत सारे सॉन्ग, मतलब बहुत ही सारे सॉन्ग आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ टोनी कक्कर फिर से सॉन्ग आने वाला, और टोनी कक्कर का आपको पता है देखते हैं इस बार यहाँ पे क्या नया कुछ नया क्रिएशन निकल के आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप जानते हैं बहुत अगर कुछ नया क्रिएशन निकल गया तो भैया ये जोड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी जोड़ी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी जोड़ी हो जाएगी, और यहाँ पर मैं बहुत पसंद करी इस गाने को। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर टोनी कक्कर ने अगर वही घिसा पिटा अपना सेम टू सेम कर रखा होगा तो गाना पिट जाएगा, सब समझ रहे हैं आप यहाँ पे हो, और गाना चलेगा सिर्फ और सिर्फ हनी सिंह की वजह से अगर चलेगा तो। वैसे अगर आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो गाने टोनी कक्कर जी हैं वो बहुत ही मतलब गाने में जो लिरिक्स हैं उनके होते ही नहीं, और जो गाने में एक ही वर्ड को अब जैसे कांटा लगा है तो कांटा लगा कुड़ी तो कांटा लगा है, कांटा लगा व्हाट इज दिस मैन। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी ऐसे छोटा सा पोस्टर निकला है, छोटा सा पोस्टर निकला है, कोई बड़ा पोस्टर नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा पोस्टर निकला है, साथ इसमें बताया गया नेहा कक्कर टोनी कक्कर और यहाँ पे यो हनी सिंह इसमें दिखने वाले, और यहाँ पे देसी म्यूजिक फैक्ट्री का लोगो दिख जाता है, इसमें यहाँ पे दिखने वाले हैं, और जितने भी देसी म्यूजिक के अंदर सब अंडर होते हैं वो सब इसमें काम करने वाले हैं, जैसे आपको पता ही है, और जो लिरिक्स होने वाले हैं वो शायद मेरे ख्याल से टोनी कक्कर के होंगे, और टोनी कक्कर के साथ साथ यहाँ पे अपना तड़का लगाते हुए बीच में लिरिक्स डालेंगे हनी सिंह, वो भी रैप का। दोस्तों आपको कितना इंतजार है कमेंट करके, दोस्तों मिलते हैं, चाहते हैं जय हिंद, टेक केयर, सी यू, टाटा।